नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट बधाई हूँ मैं। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलता हूँ। एक ऐसा नाम जिसे लोग अलग अलग वजहों से पसंद करते हैं, कोई कॉमिक अंदाज के लिए तो कोई खतरनाक विलन के रोल्स के लिए। 3 सितंबर 1958 को जन्मे शक्ति कपूर का आज जन्मदिन है। पहचाने गए होंगे आप। करीब 5 फुट 9 इंच लंबे शक्ति कपूर से कभी लोग बेइंतहा नफरत करते थे, लेकिन आज उनका नाम कॉमेडियन के रूप में बड़े ही अच्छे शब्दों में लिया जाता है। शक्ति कपूर का रियल नाम शक्ति नहीं बल्कि सुनील सिकंदर लाल कपूर है। शक्ति की पत्नी का नाम शिवांगी कपूर है। रिश्ते में वे पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है। शिवांगी किस्मत फिल्म कर रही थी जिसमें शक्ति भी थे। अपनी स्पोर्ट्स कार में घुमाकर उन्होंने शिवांगी का दिल जीत लिया और बाद में शक्ति ने उनसे शादी कर ली। उनके करियर की यदि बात करें तो उनके करियर से जुड़ी बातें काफी इंटरेस्टिंग है। उनकी कार ने उनका करियर बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार ने कैसे। जी हाँ, एक बार उनकी कार बड़े और जाने माने एक्टर फिरोज खान की कार से जा टकराई थी और इसी कार की टक्कर ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने बताया कि एक बार मुंबई में उनकी कार की टक्कर एक मर्सिडीज से हो गई। ऐसे में जब शक्ति कपूर कार से बाहर निकले तो उन्होंने मर्सिडीज से एक लंबे और खूबसूरत शख्स को निकलते हुए देखा। वे फिरोज खान थे। शक्ति मौका कैसे गवा सकते थे। उन्होंने फिरोज खान को बताया कि वे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में हैं और उनके पास एक्टिंग का डिप्लोमा भी है। शक्ति कहते हैं कि बातों ही बातों में उन्होंने वहां फिरोज खान से अपनी फिल्म में एक रोल के लिए भी गुजारिश कर दी। शक्ति ने बताया कि इन सब के बाद फिरोज वहां से चले गए बिना कुछ कहे। इसके बाद शक्ति अपने दोस्त से मिलने अपने घर पहुंच गए। शक्ति के दोस्त थे के शुक्ला। शुक्ला जी फिरोज के साथ फिल्म कुर्बानी के लिए काम कर रहे थे। शक्ति ने बताया, वहां मेरे दोस्त ने बताया कि फिरोज खान फिल्म में एक खास कैरेक्टर के लिए एक नए एक्टर की तलाश कर रहे हैं। साथ ही वे उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से है। उन्होंने उनकी कार को टक्कर भी मारी है। दोस्त की ये बात सुनकर शक्ति कपूर काफी एक्साइटेड हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और बताने लगे कि वो तो मैं ही हूँ। इसके बाद शक्ति कपूर ने फिरोज खान को फोन लगाया और इस तरह उन्हें कुर्बानी फिल्म में विक्रम का रोल मिला। 70-80 के दशक में ऐसी हजारों फिल्में बनी हैं जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ या रेप करना फिल्म के हिट होने के लिए जरूरी होता था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शक्ति कपूर हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले विलन हैं। इससे ज्यादा अगर कुछ पसंद किया गया तो वो था शक्ति कपूर द्वारा फिल्माया गया रेप सीन। 700 से ज्यादा फिल्में करने वाले लगभग 80 से ज्यादा फिल्मों में शक्ति कपूर रेप सीन कर चुके हैं। कुर्बानी, रॉकी, हिम्मत वाला और हीरो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शक्ति कपूर ने विलन का किरदार निभाया और गोविंदा की राजा बाबू फिल्म में नंदू की भूमिका निभाई और सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने इंसाफ, बाप नंबरी बेटा, 10 नंबरी, अंदाज अपना अपना, चालबाज और बोल राधा बोल जैसी फिल्मों में कॉमेडी भी की है जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं। बता दे ललिता, मैं नन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ, नंदू सबका बंधु और समझता नहीं है यार, आज भी लोगों की जुबान पर शक्ति कपूर के डायलॉग कायम है। ऐसे हैं शक्ति जिनके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान से जाते नहीं है। कई रियलिटी शो में शक्ति कपूर नजर आते हैं और अपने द्वारा फिल्माए गए सीन को फिर से रिपीट कर सबको हंसा देते हैं। तो ऐसे स्पेशल सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।